नमस्कार, मैं दुनिया के ज्योतिष चैनल में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि आपका सप्ताह कैसे बीतेगा, यानी क्या है आपका साप्ताहिक राशिफल। प्रतिदिन सुबह हम आपको दैनिक राशिफल की जानकारी देते हैं और अब इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि कैसा बीतेगा आपका आने वाला सप्ताह। जी, हमारे ज्योतिष चैनल के माध्यम से जान लीजिए अपना साप्ताहिक भविष्यफल, आपका शुभ अंक और शुभ रंग। तो चलिए देखते हैं कैसे रहेगा आपका ये सप्ताह। तो हम सबसे पहले बात करेंगे राशि मेष की। मेष के लिए बेहतर होगा कि आप किसी मामले को तूल पकड़ने से पहले ही निपटा लें। किसी बीमारी के लिए अलग तरह का इलाज करने की कोशिश कर सकते हैं। आप एक महत्वपूर्ण व्यक्तिगत काम और कार्यालय के बीच फंसे रह सकते हैं, जबकि दोनों में से किसी के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। अपने व्यवहार में थोड़ा कूटनीतिक होने की जरूरत है। आपका इस सप्ताह का शुभ अंक 17 है, जबकि आपका शुभ रंग है हल्का स्लेटी। वृषभ, किसी को अपनी राय देने का सही वक्त नहीं है। आप अपने रोमांटिक जीवन को खुशहाल और सुंदर बनाने का प्रयास कर सकते हैं। समूह में यात्रा पर जाना काफी रोमांचक सफर साबित हो सकता है। घर के परिवर्तन के लिए सोची हुई योजना अब शुरू की जा सकती है। आपके द्वारा अर्जित धन लापरवाही के कारण गायब हो सकता है। आपका इस सप्ताह का शुभ अंक 6 है, जबकि आपका शुभ रंग है हरा। मिथुन, कोई अपनी गलती के लिए आपसे क्षमा मांग सकता है। पेशेवर मोर्चे पर आप सही कोर्स चुनने में कामयाब हो सकते हैं। आपके रोमांटिक पहल का सकारात्मक जवाब मिलेगा। वर्षों बाद किसी स्थान पर जाना बेहद रोमांचक साबित होने वाला है। अपने पैसे और बहुमूल्य सामान का खास ध्यान रखें। आपका शुभ अंक 1 है, जबकि आपका शुभ रंग है हल्का लाल। कर्क, आप किसी के साथ रोमांचक यात्रा पर जा सकते हैं। पेशेवर मोर्चे पर आपके द्वारा की हुई कोशिशों को तत्काल मान्यता और प्रसिद्धि मिलने की संभावना है। जीवन साथी या परिवार का कोई अन्य सदस्य आपके ऊपर उस काम का बोझ हल्का कर सकता है। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने के कारण आप स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं। आपका शुभ अंक 11 है और इस सप्ताह का आपका शुभ रंग हल्का गुलाबी है। सिंह, आप जो कोई भी काम करने जा रहे हैं उसका फैसला करने से पहले आपको किसी विशेषज्ञ की सलाह करने की जरूरत हो सकती है। वित्तीय मामलों में आपको स्थिरता मिलेगी। किसी संपत्ति में निवेश करने से बड़ा फायदा होने की संभावना है। नजरें जमाए रखें। शैक्षणिक मोर्चे पर स्थिति को हल्के में न लें। अनपेक्षित मेहमान आने की संभावना है। आपका इस सप्ताह का शुभ अंक 18 है, जबकि शुभ रंग है सफेद। कन्या, नए रोमांस के जिंदा दिली की लहर से आपका मूड बन सकता है। किसी के साथ सुबह यात्रा छोटी महसूस हो सकती है। कुछ लोग बड़े घर में रहने के लिए जा सकते हैं। किसी महत्वपूर्ण सामाजिक प्रतिबद्धता के लिए आपकी सराहना हो सकती है। अमीर ग्राहकों को जीतने के चक्कर में आपको पेशेवर मोर्चे पर ठेस भी लग सकती है। आपका इस सप्ताह का शुभ अंक 7 है, जबकि शुभ रंग है गहरा पीला। तुला, जिन लोगों को प्यार की तलाश है उनके चेहरे पर मुस्कान आने की संभावना है। बात बन सकती है। नए जोड़ों को कुछ सामंजस्य करने की आवश्यकता हो सकती है। आर्थिक मोर्चे पर आपकी स्थिति मजबूत बनी रहेगी। घरेलू समारोह में शामिल होना आपकी दिनचर्या को प्रभावित कर सकता है। स्वास्थ्य सामान्य बना रहेगा। आपका इस सप्ताह का शुभ अंक 22 है और शुभ रंग है लवेंडर कलर। वृश्चिक, कुछ मामले अटके रह सकते हैं। किसी समारोह में उन लोगों से मुलाकात हो सकती है जिनसे आप आमतौर पर संपर्क में नहीं रह पाते। रोमांटिक मोर्चे पर आपका प्रयास सफल रहने की संभावना है। आर्थिक मोर्चे पर कुछ अच्छा होने के संकेत हैं। आप पहले से अधिक तंदुरुस्त महसूस कर सकते हैं। हर मुद्दे को अपने नजरिए से समझने की कोशिश करें। आपका शुभ अंक 15 है और शुभ रंग हरा है। धनु, स्वास्थ्य और खुद के काम की वजह से आप मानसिक रूप से परेशान रह सकते हैं, लेकिन इसकी कोई ठेस की वजह नहीं है। सख्त आहार और नियमित व्यायाम इस समय आपकी जरूरत है। आप किसी करीबी के द्वारा पैसे के मामले में ठगा हुआ महसूस कर सकते हैं, लेकिन इस मुद्दे को तूल न देना ही सही होगा। आपका इस सप्ताह का शुभ अंक 9 है और शुभ रंग है कॉफी। मकर,
स्वास्थ्य खराब रहने की वजह से आप झुंझलाहट का शिकार हो सकते हैं। पेशेवर मोर्चे पर काम की अधिकता आपके उत्साह को कम कर सकता है। कोई आर्थिक चाल फायदेमंद साबित होगी। किसी पैतृक संपत्ति के मामले में विवाद कचहरी तक जा सकता है। सामाजिक मोर्चे पर आप किसी बड़ी हस्ती की बराबरी कर सकते हैं। आपका इस सप्ताह का शुभ अंक 3 और शुभ रंग गहरा पीला है। कुंभ, कार्यस्थल पर आपके द्वारा शुरू किया गया काम उन लोगों को पसंद आ सकता है जिनसे आपकी तरक्की जुड़ी है। किसी पैतृक संपत्ति से वापस आने वाली रकम आपकी आर्थिक स्थिति को रोशन कर सकती है। सामाजिक मोर्चे पर आप किसी दिलकश इंसान के साथ मजा ले सकते हैं। आपका इस सप्ताह का शुभ अंक 18 है और शुभ रंग है कॉफी कलर। मीन, किसी की अड़िकता की वजह से आपको कानूनी मामले में कोई प्रगति मिलने की संभावना नहीं है। पेशेवर मोर्चे पर आपको किसी महत्वपूर्ण परियोजना को रोकने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। ज्यादा कमाने की चाहत में आप तनाव में आ सकते हैं। समझौतावादी नजरिया रखें। आपका इस सप्ताह का शुभ अंक 18 है जबकि शुभ रंग है मजेंटा। तो ये था आपका साप्ताहिक भविष्यफल। आपका ये सप्ताह कैसे बीतेगा ये अधिक विस्तार पूर्वक जानने के लिए बस आपको विजिट करना है हमारी वेबसाइट webdunia.com पर या साथ में दी गई लिंक पर क्लिक करें, जहां भविष्यफल के साथ ही आपका दिन और सप्ताह मंगलमय हो इसके लिए कल्याणकारी उपाय भी बताए गए हैं। इसी तरह रोजाना सुबह भी अपना दैनिक भविष्यफल भी जानने के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।